हंडिया कोतवाली क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, हालत नाजुक। नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बोधी का पूरा गांव में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने किया बलात्कार। मिली जानकारी के अनुसार गांव में बीती रात बारात आई थी और बच्ची अपने चाचा के साथ सोई हुई थी, तभी गांव के ही एक युवक ने उसे उठाकर दूर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया, जिसके बाद बच्ची अचेत अवस्था में हो गई। सुबह होश आने पर बच्ची अपनी मां के पास गई और पेट में दर्द होने की बात बताई, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने उसे भीटी स्थित नवजीवन अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने रेप का मामला देखते हुए परिजनों को सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दिया। उसके बाद बच्ची के परिजनों ने बच्ची को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया लेकर आए और कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। गांव के ही एक युवक ने बताया है कि गांव के ही एक भारतीय बिरादरी का लड़का बच्ची को रात में अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं इस घटना को लेकर एसपी गंगापार ने कहा कि मामला को संज्ञान में लेते हुए 2 टीम बनाई गई, अब जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से प्रयाग पांडे, हंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रकरण थाना हंडिया के बोधी की बारी गांव का है। पुलिस को विकास चंद द्वारा यह सूचना दी गई कि कल वो रात में बारात में गए थे और उसी बारात में उनकी पुत्री भी गई हुई थी। उनकी पुत्री के साथ अरुण भारती नामक व्यक्ति ने गलत काम किया है। तत्काल पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया, मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीम लगी हुई है और उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और उसके विरुद्ध ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी।